अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन चैनल में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको गन्ने के ताज़ा तरीन रेट्स के बारे में बताऊंगा और किस शुगर मिल पे ज़्यादा रश है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, गन्ने की ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बैड न्यूज़ ये देने वाला हूँ कि JDW1 और JDW2 ने अपना रेट कम कर दिया है, वो भी 245 कर दिया है। जो गाड़ियां आज 3 बजे के बाद जाएंगी या जिन गाड़ियों का टोकन 3 बजे के बाद लगेगा, तो उनको जो रेट दिया जाएगा वो 245 दिया जाएगा, जो आज की डेट है। दोस्तों इसके अलावा माची गोड शुगर मिल्स भी 248 उसका पहले रेट था, ये JDW2 है, अब उसका रेट 245 हो गया है गेट रेट। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता तमाम शुगर मिल्स वाले रेट कम कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। ये इस वजह से है कि गन्ना अब भी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और गन्ना उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा मिकदार में जा पहुँचा है, तो इस वजह से वो रेट कम कर रहे हैं। इसके अलावा शुगर मिल्स अलायंस उबाड़ा, इसका भी रेट पहले 265 था और अब इसका रेट 260 हो चुका है, ये न्यू अपडेट है। और बाकी शुगर मिल्स का भी सुनने में आया है कि ये भी रेट कम करने वाली हैं। दोस्तों अगर ये दिन ब दिन रेट कम करते गए तो किसानों का क्या हाल होगा, और जिन लोगों ने 70 से 80 हज़ार ठेंके भरे हुए हैं तो उनकी बैंड बज जाएगी। तो ये सूरत हाल आ रही है रेट की। और दोस्तों एक और बात ये भी मैं आपको बताता चलूं कि कमालिया शुगर मिल्स ने पिछले 4 दिन के अंदर तकरीबन 30 रुपये रेट कम किया है, और कमालिया शुगर मिल्स ने कई इलाकों के 48 घंटे के लिए परमिट भी बंद कर दिए हैं। दोस्तों वैसे तो दोस्तों आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि शुगर मिल्स वाले किस तरह किसानों को जलील और परेशान कर रहे हैं। ये इस वजह से है कि हमने लालच की, तो उस लालच की वजह से ये हमें फल मिल रहा है। दोस्तों अब गर्मियां भी बढ़ने वाली हैं और आप जानते हैं कि वज़न भी कम होगा और लेबर भी पीछे हट जाएंगी, या अगर लेबर पीछे भी ना हटे तो आप जानते हैं कि अभी तक इतना एरियों में गन्ना मौजूद है कि एक या दो लेबर जो उन्होंने मुकर्रर की हुई थी उसके बस से बाहर जा चुका है काम, तो अब बाहर से लेबरा मंगवाना पड़ेगी ज़िम्मेदारों को और रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा लेबरों को, तभी जाके काम बनेगा। ऊपर से शुगर मिल्स वालों ने भी रेट कम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये हमें नुकसान हो रहा है इस साल हमारे लालच की वजह से। पर दोस्तों होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर उम्मीद है कि रेट बढ़ेगा वो भी एंड में लगभग 10-15 दिन के लिए, तो बड़ी मुश्किल है कि उन दिनों में कितना गन्ना जा सकता है एक किसान का। बहरहाल दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं रेट्स पर। दीवान शुगर मिल 275, थरपारकर शुगर मिल 280, अरमीबदीन शुगर मिल 270, अंसारी शुगर मिल 290, आबादगैर शुगर मिल 260, मीरवा शुगर मिल 265, जोक शुगर मिल 265, फॉरन शुगर मिल 265, मैरान शुगर मिल 255, डिग्री शुगर मिल 270, लाड़खाना शुगर मिल 290, चंबर शुगर मिल 270, मीरपुर खास शुगर मिल 270, शंजर चौक शुगर मिल 265, संगड़ शुगर मिल 265, मठियारी शुगर मिल 290, बांदी शुगर मिल 265, दादू शुगर मिल 265, स्क्रांड शुगर मिल 265, हबीब शुगर मिल 270, अलनूर शुगर मिल 250, खैरपुर शुगर मिल 255, रानीपुर शुगर मिल 255, अलायंस शुगर मिल 275, करण शुगर मिल 270, SGM शुगर मिल 275, घोट की शुगर मिल 250, डहर की शुगर मिल 265, भवानी शुगर मिल 270, लार्क शुगर मिल 257। दोस्तों ये वो शुगर मिल हैं जी। दोस्तों इन शुगर मिल्स में किसी भी शुगर मिल्स का गेट रेट शामिल नहीं है, ये वो रेट्स हैं जो बाहर के एरियों को दिए जा रहे हैं।
और आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा रेट्स जो है वो गेट रेट नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थी सूरत हाल रेट्स की। तो मैं अब आपको यार्ड पोजीशन भी बताता हूँ कि किस शुगर मिल्स में ज़्यादा गन्ना मौजूद है या ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों ये है पंजाब शुगर मिल्स की यार्ड रिपोर्ट सुबह 8:30 की, जो 20 जनवरी 2022 की है। दोस्तों पहला है हमजा शुगर मिल्स 373, नून शुगर मिल 359, खमालिया शुगर मिल 690, जेके 671, कश्मीर 175, हक बाहू 196, सिराज शुगर मिल 452, सफीना शुगर मिल 327, पॉपुलर शुगर मिल 295, सोलन वाली शुगर मिल 190, अब्दुल्ला 159, अरबिया 250, शाहताज 260, भून शुगर मिल 210, जोराबाद 316, मदीना 455, रमज़ान 210, हुदा 205, हुसैन 170, शकरगंज शुगर मिल 127, पावा फरीद 187, पतोकी 93, मक्का 22, रसूल नवाज 288, चिनार 385, कंजवानी 297। दोस्तों ये थी शुगर मिल्स की यार्ड रिपोर्ट। दोस्तों जैसा कि आपने यार्ड की रिपोर्ट मुलाहजा की, इसमें कुछ शुगर मिल्स पर तो काफ़ी ज़्यादा रश है और कुछ पर कम रश है। जो दोस्तों जिन शुगर मिल पर ज़्यादा रश है वो ये वो शुगर मिल्स हैं जो काफ़ी आबादी वाले एरियों के करीब पड़ती हैं, तो उन पर ज़्यादा रश है और वो लूट मार भी किए हुए हैं शुगर मिल्स, और कई शुगर मिल्स कटौती भी कर रही हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल ये थी रिपोर्ट मेरे पास शुगर मिल्स के हवाले से। तो दोस्तों आइंदा ऐसी वीडियो और अपडेट दे जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मेरा भी कभी ज़रूरत पता है।